कल्याण सिंह जी मैंने कांग्रेस रहा आदमी आना ने कैंडिडेट नहीं मिले मैंने कांग्रेस मुले नूबा किदा। महेश प्रताप सिंह जी मैंने कांग्रेस रहा आदमी आना ने कैंडिडेट नहीं मिले मैंने कांग्रेस मुले नूबा किदा। कई बार हम भारी बहुमत पूरा मारा बूथ में जीता और पूरी पंचायत में लीड ला बीजेपी रहे ये अना ने कोई खाली जात में उठावे ठीक है अना ने कोई जात में विचावे और जात में कराए कचरो वचरो काढ़े अना वास्ते सेवा करे अना ने कोई आगे मतलब नहीं है काम अमके कई लागे हमने साहब किया जा पार्टी फादी रही आवे हाउ लागे फिर भी वे व्यक्ति अगर कांग्रेस में टूटी भाजपा में जा रहा था अशोक जी ने एमएलओ के खिलाफ मतलब क्या है आरोप था उन सबको बीजेपी ले लिया सब आरोप खत्म। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग गांवों में जा रहे हैं डाणियों में जा रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि गांव क्या कहता है गांव का माहौल क्या है वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं मुछाला महादेव मंदिर परिसर में हूं घोड़ा घाटी के पास में और यहां पर आसपास की ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं क्षेत्र क्या कह रहा है इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुख है। क्या नाम है मूलचंद लेबरी साहब पंचायत लाल माड़ी पंचायत लाल माधड़ी होता आप जिला अध्यक्ष मान सिंह जी बारह डटा रही हाँ मान सिंह बारह मारा डर रही साहब ग्राम पंचायत मारे गांव कई से आप चरा तो पूरा गांव ही बीजेपी में भेज दी तो कई बीजेपी नहीं बनाई जमानता जब तो बीजेपी बूथ मतलब बूथ ऊपर भी नहीं जी सके बड़ा बूथ ऊपर बनाई पकड़ी नहीं है मैं खुद वार्ड पंद्रह चुनाव लड़ी हो 138 वोट मारे आए बना रहा है हमें बना कैंडिडेट 25 वोट आया मात्र 1 वोट नोट आप रह गयो 138 मैंने मिलिया और मान सिंह जी ने खुद रहा घर रहा वोट आवा नहीं 25 और 4 कैंडिडेट घर रहा तो जो मान सिंह जी जो वार्ड है वणमी सा वार्ड पंच हो हां मान सिंह जी खुद रे वार्ड मिस में वार्ड पंच हो अच्छा कांग्रेस रहा अब उन कई लाग रियो अरे बार मां भारी वो मत पूरा मारा बूथ में जीतांगा और पूरी पंचायत में लीड लांगा पहले सीपी साहब ने धरे नहीं किया सीपी साहब हमारे बूथ में तो लगभग टक्कर में आ और हमारे पंचायत में टक्कर में आ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही जो हमारी कुछ सूखे रही कोई भूल रही हम जो है जो वो पूरी करेंगे और इस बार पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमारी पूरी पंचायत में हम जीत हासिल करेंगे और हमारा बूथ पूरा हम जीतेंगे इस बार हमारा यही लक्ष्य है। अभी उप प्रधान साहब रामेश्वर जी ये जो कह रहा कि लाल मादड़ी में टक्कर रही या स्थिति है तो क्यों पिछले विधानसभा में हार क्यों हुई कांग्रेस रही हार तो सर कही है वंदन देखो मनक गेमे गेमे में रह गया और अना कही है एकलिंग नाथ रो मुद्दों उठे काढ़ो तो बनी महीने माए भी माते को और माते गिरा सब जीती रहा कणी में कहीं दोहराई नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ हर कार्यकर्ता वास्ते पहुँचवारी बहुत कोशिश की दी लेकिन लास्ट रहा दो दिन मैंने आना वाने धर्म ने आड़ो लाई न बनी मैंने आना लुगाया ने मनका ने मतलब कहीं थोड़ा बेमज दीदा अनि वास्ते मतलब यह हार वेगी बाकी अबार भी मैं आश्चर्यचकित जो नहीं मनक ने कह रहा जिन्हें एकदम वो सदमा में है कि आज यह बात किस तरह वेगी मतलब मैं वोट दीदा है बटा कहे भी सीपी साहब हारना नहीं चाहता लेकिन कई बात भी तो लोग अबार भी सदमा है और सदमा उबरवारी कोशिश कर रहा है विधायक साहब रहा घरवाला ही से बोनू भी पासा तो पाचो कटी वो स्थिति में घरवाला तो है सर लेकिन अबे घरवाला तो पहले देखो आना ने कोई कैंडिडेट में तो वंदन भी आप पधरिया देलवाड़ा वंदन भी मैं क्यों मेरे को देखो आना ने बीजेपी में कोई जोगो आदमी है ही नहीं जटे जटे भी जिंदान जिंदान भी चुनाव आवे ये कांग्रेस रहा जो मतलब माने जो वे है बना नहीं थोड़ी थोड़ी वापस दे मैं आप कल्याण सिंह जी स्टार्ट करा कल्याण सिंह जी माने कांग्रेस रहा आदमी आना ने कैंडिडेट नहीं मिलियो मैंने कांग्रेस मुले नूबा किदा। महेश प्रताप सिंह जी मैंने कांग्रेस रहा आदमी आना ने कैंडिडेट नहीं मिलियो मैंने कांग्रेस लेन उबा किदा। अबे वटा कड़े महेंद्र सिंह जी मैंने कांग्रेस रहा आदमी आना ने कोई कैंडिडेट नहीं मिलिया दिया मतलब तो आना ने ये विश्वराज सिंह जी ने लेना है विश्वराज सिंह जी कांग्रेस दिल्ली में जैन सदस्यता ग्रहण की दी अबे आना दूसरा बीजेपी रहे ये आना ने कोई खाली जात में उठाओ है ठीक है आना ने कोई जात में विचावे और जात में कराए कचरो वचरो काढ़े आने वास्ते सेवा करे आना ने कोई आगे मतलब नहीं है काम कांग्रेस की नीतियां खराब है भाजपा की नीतियां बढ़िया है काम मोदी जी रो बढ़िया जनी बीजेपी में शामिल हुई रहा। नहीं देखो मु तो मतलब पंचायत लेवल रो आदमी हूँ मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करूँ फिर भी मतलब ईमानदारी करूँ दिल्ली करूँ ठाकुर जी रहते बैठा जगह करूँ और जितरो घटिया मतलब प्रधानमंत्री देश रो मतलब नरेंद्र मोदी है अनि पोस्ट पे बैठा जगह झूठ बोले बनी आदमी ने मतलब कहीं शोभा नहीं देवे और ये पूरे देश की गरिमा डाउन वेरी है। आप मेघालय में चुनाव लड़ रहा हो भाई साहब दो दिन पहले भाषण दे रहा हो पब्लिक में
पूरी पब्लिक में भाषण दे रहा हो कि मेघालय की सरकार बहुत भ्रष्ट है, लाल बटे अपन नीतीश कुमार बात करा कि ये सांप नाथ है, ला नागनाथ है, बटे आपने चाचा भतीजी की सरकार है, महमूबा मुफ्ती वास्ते बना हाथे सरकार बने रहो यार, थोड़ी बहुत तो शर्म रखो यार। हाँ माने लोकल माँ ऐसा छोटा मोटा आदमी भी है, मतलब कहीं मतलब नहीं पलटी सका, जिम्मे वे यार प्रधानमंत्री ने मतलब गृह मंत्री का आदमी मतलब अतरा भ्रष्ट आदमी है को, आपने कह रहा हो महेंद्रजीत मालवीय वास्ते यो मारपा है को तो मोबाइल मुँह निकाल ही लूँ, वना जिला अध्यक्ष दो मतलब 28-2 ने चिट्ठी लिखी रो है प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ने, और बेटा कह रहे आप मनीष महेंद्र सिंह मालवीय ने आप कांग्रेस बीजेपी में ले ही मैंने टिकट दे रहा हो, आप कहीं साबित कहीं करना चाह रहा हो। तो कांग्रेस रे आदमी टूट क्यों रिया, टूट रिया कांग्रेस रे जन्मे कैबिनेट मंत्री रिया लगा बना रे पत्नी जिला प्रमुख रिया बांसवाड़ा में और पूरी फैमिली कांग्रेस ने खूब आगे बढ़ाया नहीं, तो फिर भी ये व्यक्ति अगर कांग्रेस में टूटिन भाजपा में जा रहा था ऐसा कही। देखो बना ने डरे ठीक है, उनको डर मतलब क्या, एक बार तो मतलब जिला अध्यक्ष से शिकायत करवाएंगे, फिर उसको मतलब क्या अधिकारियों के मार्फत, पार्टियों के मार्फत नहीं अधिकारियों को मार्फत उनको डरवाएंगे कि यार तुम्हारी ये शिकायत आ गई है, तुम्हारे दिल्ली भ्रष्टाचार नहीं किया ठीक है, ये तो आप देख लो अजीत पवार देख लो महाराष्ट्र में देख लो आज मतलब हर आदमी मुँह जानी रू जैसे ये सब आदमी जानी रहा है, सब अन खही रहा है ठीक है, सब अन खही रहा है, सब आदमी जानी रहा है। एक बार आप अजीत पवार आरोप लगे रहा 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, अब उसी अजीत पवार को साथ में लेके उप मुख्यमंत्री बना रहे हो है? और उसके बाद में आप वापस ये गुजरात में ले लो जिन जिन MLO के खिलाफ मतलब क्या एक आरोप था उन सबको बीजेपी ले लिया, सब आरोप खत्म, जबकि सबसे ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। आज पहले जो मतलब दवाई मिलती थी 10 रुपए की एक ट्यूब आती थी, भाई साहब मैं खुद क्लोपी जी मतलब यूज़ करता हूँ, उसका 12 रुपए लगता है, आज उसका 40 रुपया हो गया, किससे भी गया ये आना दवाई वाला पूछ चंदा लीदा पहली एक खांसी की दवाई आती हुई 20 रुपया में नवा खांसी की दवाई आती बढ़िया मतलब वो नहीं खांसी की दवाई मैंने खाऊ भी जाता आज हो रुपया हवा हो रुपया एक एक शीशी लगी रहा है, क्यों भी गया ये महंगी कांग्रेस राज में तो नहीं भी अनि वास्ते वेगी कि भाई ये आना आना पो भारी मात्रा में चंदो ले ली ने आना ने क्यों दवा वाला ने के था आना ने जनता ने मारो। अभी जैसे बीजेपी वाला जो कह रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बने बाद में भारत देश रो नाम विदेशा में भी सम्मान लेवा लगा और हर जगह आप भारत रो मान बढ़ियो हमने किस तरह देखो आप। देखो भारत रो मान तो आज उन्हें जदन ये मतलब देश आजाद भी हो बंडा नहीं अपने अनो मान बढ़ियो देखो इस हो और अना मोदी जी रा मतलब टाइम में तो और अनी देश रो नाम कम भी हो आज अरविंद केजरीवाल ने जन्ना जेल में डालो तो जर्मनी और अमेरिका जैसा देश रहा मतलब लोगों ने बड़ा राष्ट्राध्यक्ष ने कहना पड़ो कि भारत में लोकतंत्र मतलब क्या है कमज़ोर हो रहा है, तो ये आज अमेरिका जर्मनी अतरा मतलब देश है 5 देश ही से अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड और रूस बड़ा मैनू 2 देश तो कई दोनों दूसरा भी कहवा वाला है लेकिन अना जैन बटे मतलब हाथों जुड़ी करी करी गार बार मैंने चुनाव है मतलब बाकी सब देश कहवा वाला है कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और मतलब हर जगह ये आनी बदनामी ले रही है, तो ये तो गलत बात है। और आज मोदी जी यार भाई साहब मेरी बात सुनो, मोदी जी आज लोकतंत्र की बात करी रहा है, आज ये देखो रेल मंत्री ने झंडिया ये रेल मंत्री ने देनी जावे जिंदा नहीं ये रेल झंडिया ने दे रहा, आज रोड रो उद्घाटन करी रहा तो रोड मंत्री वे जो परिवहन मंत्री वे बने उद्घाटन करना चाहे रोड रो जो ये करी रहा है, कॉलेज मेडिकल कॉलेज रो वे तो बनाने मतलब चिकित्सा मंत्री वे बने करना चाहे जो ये मोदी जी कर रहे, अरे यार पूरा मतलब था बिल्कुल ही यार नहीं लोकतंत्र ने खत्म कर दो बिल्कुल थाने पार्टी में ही था मतलब लोकतंत्र खत्म कर दो थाने संसद ने था नहीं मतलब मान रहा हो विधायिका ने बटू चिट्ठी लिखी जदि की विधायक तय करे मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कौन तय करे विधायक रहा जो मतलब वह सब ने फलाना आदमी ने मुख्यमंत्री बीजेपी वाला तो कह रहा लोकतंत्र ने तो खतरा में पहले कांग्रेस ना क्यों जनता में इमरजेंसी लागू कर की दी और बटा पहली जो हालात था अणियों भी ज्यादा घातक आई इमरजेंसी में देखो लागू की दीजिए कहीं नहीं आज इमरजेंसी रहा जो मतलब नियम है नहीं जनान इमरजेंसी रहा मैंने क्यों वो 5 नियम लागू किया हुआ समय की पाबंदी तुम हम दो हमारे दो मतलब समय की पाबंदी केवल रेलों के लिए लिए सबके लिए है अनि तरह 5 नियम जो वंदान हा दूरदृष्टि पक्का इरादा ये जो हा इंदिरा गांधी वंदान लगाया वे आज की तारीख में काम इराट है। आज 2 बच्चा कोई भी है किसी भी है चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है चाहे कोई भी हर परिवार में 2 बच्चा एक बच्चों अगर वही गो फर्स्ट ही फर्स्ट हो तो 1 बच्चा में भी बैंड लग जाएगा अगर 1 बच्चों नहीं हुआ तो फिर भी 2 बच्चा वो आगे कटिश नहीं दे रहा है आज वो वनी जमाना रहो आज हर आदमी वनी चीज़ ने काम में ले रहा है इमरजेंसी में कुछ नहीं हो इमरजेंसी लगाई हुई बनान केवल यानी देश में ने अनि वास्ते इमरजेंसी लगाई हुई बनान अना लोग RSS वाला नाना अराजकता फैले दी।
अपनी वास्ते इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी ने ये कहीं भी किया, लेकिन इमरजेंसी वनी बात में तो जो अधिकारी है ये आना मतलब आना ने टारगेट दिया हुआ तो आना मतलब कई दुष्प्रचार की दो मिनट अखबार वाला है आज मीडिया का। आपने आप केवल धन्यवाद दूँ मुँह आप जैसा चैनल ने जो आप छोटा चैनल वाला वेता देकर भी मतलब हिम्मत रखी ना आप मतलब सच्चाई हर आदमी की सच्चाई जानवारी कोशिश करी रहा हो और गांव गांव ढणी ढणी जाए ना आप मतलब देश की जनता ने बते रहो। लेकिन बड़ा चैनल है जो बड़ा बड़ा उद्योगपति खरीद लीदा है वह वक्या देखा है बिल्कुल वनारा पत्रकार ने कई दो तरह को आज ये रिपोर्टिंग करनी है केवल इसके बारे में तेरे को मतलब गाइडलाइन दे देते हैं उस गाइडलाइन से मतलब आउट नहीं जाना है। लेकिन धन्यवाद दूं आप जैसे सब पत्रकारों ने और सब मतलब चैनल वाले ने जो आपने देश ने लोकतंत्र ने बचाने वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हो। तो कई लाग रहे हो अतरी अतरी यह जो स्थिति है ये आप गिरा हो यह लेकिन यह चीज़ वास्तव में जनता समझ पा रही है भाजपा तो पूरी आश्वस्त है कि 400 पार देखो वे तो बनानी देखो पहली हाँ इंडिया साइनिंग करी 4 महीना हुदी पहली चुनाव कराया जनो आप ही मतलब नतीजो देख ली दो और वारी वाह परिस्थिति है बल्कि चमत्कार वेगा ठीक है। अपने भारत री जनता और मेवाड़ री जनता राजस्थान की जनता बहुत भूली है केवे नहीं है वह मन में रखी रखे वणी दान वाला ने खबर है कई वीरो कई नहीं वीरो आ देश रहा हालत कई है हर आदमी जानी रो है झूठ बोली झांसा दे आप काट री हाडी वे नहीं भाई एक बार चढ़े बार बार नहीं चढ़े हर आदमी में पहली भी कह रूँ नबार भी कह रूँ हर आदमी अनखावे चाहे वही सके आप मतलब सियोरी मतलब सरबती खैरा होगा कोटा फार्मी खैरा होगा तो माँ भली अपने कांग्रेस का गेहूँ खैरा वागा लेकिन है गेहूँ से मनु आटो सुनी रो मनी हेग नहीं पड़ेगा चूल्हा पहन पचीस मतलब महीने उतरेगा तो हर आदमी जानी रो है कि वाकिर में मतलब झांसा पट्टी कौन कौन दे रो है कौन नहीं दे रो है और कांग्रेस कहीं कि दो कहीं नहीं कि दो। आज आप देखो ना भाई साहब फूड पैकेट जनान महंगाई ही तो महंगाई रात कैम चलाया अशोक गहलोत फूड पैकेट दे रही भी बनी आना शिकायत है कि दी करे फूड पैकेट नहीं मिलना चाहिए गरीब आदमी ने अगर कोई मान लो सरकारी तरफ कोई मिली रहो अना करोड़ों अरबों रुपया ये लोन माफ़ करी करी विदेश में मतलब जा रहा है लोन माफ़ करी रही सरकार खुद माफ़ करी रही और गरीब आदमी ने अगर एक छोटो फूड पैकेट दे दो तो उन्होंने दूसरे ने बढ़ाने तकलीफ आएगी है क्योंकि ज़्यादातर ना बीजेपी में यही से भाजन तो ना देखो भाई दुकानदारी बंद हुई है कर यार एक किलो आखिर में तेल लावे तो एक किलो तेल में 10 रुपया मिले एक किलो शक्कर लावे तो वनी महीने 10 रुपया मिले लून लावे तो वनी महीने मिले हर चीज़ महीने मिले तो ये क्या रहे तो मानी दुकानदार बंद होगा तो वनी शिकायत करी करी नहीं आज बंद कर दावा बिल्कुल ये देखिए जिनसे गांव के ये बातें हैं गांव के लोगों की बातें हैं और गांव में बता रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। महाराज कई नाम मारू नाम त्रिसे होगा कई लागी रहो अब के कई लागे हमने साहब गया जा पार्टी फादी रही आवे हाउ लागे मौज तो हाउ तो वोट दे जदी आए वोट देवे मां देना से पड़ी होना आया ने बनी बात रे आया व्यक्ति को जे आपरे सभा मां कदी फादी या पार्टी आई जात हाउ रे बनो नहीं तो आ ये तो जनता वोट दी तो आई जो लोग जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे पार्टी जुड़े तो नहीं आराम जुड़ लेता क्यों जुड़े अरे चूल कोई बना खाद लोग मैंने भूला नहीं अपनी बात जुड़े ला जरूर नेता तो सब भागी भागी बीजेपी मिल रहा है अरे तो ही मिलता नेता माली दुनिया है जब बना रहा भाग हूँ आप सब भाव भी हूँ था जनता नहीं मिली बीजेपी में जनता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी पक्का पक्का। ये देखिए गांव का रुख है गांव वालों की बातें हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन था नुक्कड़ सभा थी मुच्छाला महादेव मंदिर परिसर घोड़ा घाटी के पास यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं क्षेत्रीय लोग भी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके मन की बात आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज के साथ धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड थिंक नाथद्वारा थिंक नंदन ग्रैंड।